नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज आज के बुलेटिन में। मैं हूं राशि और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। कबीर महोत्सव में भोपाल पहुंचे महामहिम ने देशवासियों से की देहदान करने की अपील। कबीर को समाज के लिए बताया प्रासंगिक। कबीर के आड़ में भाजपा का दलित एजेंडा। कबीर महोत्सव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने किए कई ऐलान। ग्वालियर में पिता की मौत के बाद बेटे ने की आत्महत्या। सड़क हादसे में जल बसे थे पिता। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कबीर को समाज के लिए प्रासंगिक बताते हुए लोगों से देहदान करने की अपील की है। भोपाल में कबीर महोत्सव में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि कबीर का दिखाया रास्ता समाज के लिए संजीवनी है। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार प्रदेश के दौरे पर आए रामनाथ कोविंद ने समाज में देहदान को बढ़ावा देने की जरूरत बताई है। भोपाल में कबीर महोत्सव में महामहिम ने कहा कि कबीर सही मायने में समाज सुधारक थे और उनके चिंतन की छाप हमारे संविधान में देखने को मिलती है। महान दार्शनिक होने के साथ साथ संत कबीर एक निर्भीक समाज सुधारक थे। समाज में फैली कुरीति, आपसी भेदभाव, असमानता, आडंबर, अर्थहीन अहंकार, इन सब पर संत कबीर ने कठोर प्रहार किए और समाज से मिटा देने का महान प्रयत्न किया। उन्होंने समानता और समरसता का जो रास्ता हमें दिखाया है, वही हमारे समाज को सही दिशा में ले जाने वाला रास्ता है। अब की बार 200 पार के मिशन को पूरा करने के लिए भाजपा ने कमर कस ली है। चुनावी प्रबंधन के जरिए तीन बार से सरकार बना रही भाजपा ने चौथी बार सत्ता हासिल करने के लिए कार्यकर्ताओं को मोर्चे पर लगाना शुरू कर दिया है। भोपाल में पार्टी कार्यालय में चुनावी प्रबंधन कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने कहा कि चुनावी वार रूम में चुनावी समर की तैयारियां भाजपा की अपनी कार्यशैली है और इस प्रबंधन के नतीजों से भाजपा वाकिफ है। मिशन 2018 के चुनाव प्रबंधन का जो हमारा वार रूम है, जहां से ये मिशन की पूरी रचना होगी और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 2018 में चौथी बार मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने के उस मिशन को हम पूरा करेंगे। आज विधिवत उस चुनाव प्रबंधन कार्यालय का शुभारंभ हम लोगों ने किया। मध्य प्रदेश के जननायक शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो जनता के और कार्यकर्ता के मुख का नारा है, अब की बार 200 पार, उसको मध्य प्रदेश के धरती पर सब मिलकर पूरा करेंगे। न्यूज आज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ग्वालियर के तिघरा बाईपास पर सड़क हादसे में पिता को खोने के बाद बेटे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जनागंज का रहने वाला 10वीं क्लास का छात्र आशीष पिता की मौत से गहरे सदमे में था। पिता पुत्र की मौत के बाद इलाके में तनाव और सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रीतम जाटव की बाइक गड्ढे की वजह से उछलकर कंटेनर के नीचे फंस गई थी। हादसे में प्रीतम जाटव गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान प्रीतम जाटव ने दम तोड़ दिया, जिसकी खबर घर पहुंचते ही उनके 17 साल के बेटे ने भी फांसी लगा ली। मेरा भाई था ये प्रीतम सिंह, उसे एक्सीडेंट हुआ कल सात 9 बजे। एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ से लेके हम यहाँ आए हॉस्पिटल, उस पर बहुत गंभीर हालत थी साहब। तो इलाज चलते चलते उनकी रात में मृत्यु हो गई 3:30 बजे। तो उसके लड़के ने उसी के चक्कर में, पिताजी के सदमे के चक्कर में, वाने की अब कौन क्या होगा, कैसा होगा सर, इस चक्कर में उस लड़के ने भी फांसी लगा ली। प्रीतम मजदूरी करते थे, लड़का पढ़ता था साहब, 17 साल थे। प्रीतम की साहब मजदूर आदमी था, मजदूरी करता था। उम्र क्या थी उसकी? उम्र तो साहब मुँह से छोटा ही है, 45 साल। खत्म ही हो गए 3:30 बजे रात में। हाँ, खत्म ही हो गए जी, बहिरंग कॉलोनी राजा का। एक्सीडेंट तिगरा रोड पर हुआ था, बाईपास। लड़के को ऐसा क्या लगा कि लड़के को ऐसा लगा साहब कि पालने वाला कोई रहा नहीं, इसलिए
इसलिए लड़के कई अब पालने वाले भी, अब मैं क्या करूंगा इस चक्कर में। लड़के 17 साल का था, इंटर में पढ़ता था सर। आशीष, कल प्रातः के समय मतलब 10-11 बजे करीब प्रीतम जो हैं वो राजा गैस गोदाम का रहते हैं, स्टोन पार्क में काम करते थे। उनकी एक कंटेनर से एक्सीडेंट हो गया था, मोटरसाइकिल से जा रहे थे और वो इलाज में थे, जेएच में इलाज चल रहा था। उसी रात्रि में उनकी इलाज के दौरान डेथ हो गई थी। उनकी डेथ होने के बाद परिवार सदमे में था और उसी सदमे में आके उनका बच्चा था आशीष, 12th क्लास में पढ़ता है, वो उसने फांसी लगा ली और इससे उसकी मृत्यु हो गई अपने घर पर ही, राजा गैस गोदाम में। आए हैं तहसीलदार और जो तात्कालिक जो नियमानुसार राशि है वो तो दे दी गई है, लेकिन चूंकि उस परिवार में सिवाय उनकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए विशेष रूप से मुख्यमंत्री सहायता कोष से जो राशि मिलना है उसके लिए आवेदन ले लिया गया है और वो प्रस्ताव तत्काल भेजा जा रहा है और मैक्सिमम जो उसमें उनको राशि दी जा सकती है, सहायता दी जा सकती है, उसके लिए कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के वहाँ भेजा जा रहा है। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू, न्यूज आज। कबीर महोत्सव को सियासी तौर पर भुनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज ने कई अहम घोषणाएं की हैं। पार्टी के दलित एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए शिवराज सिंह ने चुनावी वर्ष में संत कबीर का राजनीतिक उपयोग करने का रोड मैप तैयार कर लिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मौजूदगी में शिवराज सिंह चौहान ने कबीर की जन्मस्थली को तीर्थ दर्शन योजना में शामिल करने, कबीर से जुड़े मठों का उद्धार करने, प्रदेश के 2 यूनिवर्सिटी में कबीर सृजन पीठ बनाने, कबीर भजन मंडलियों को प्रोत्साहित करने के साथ कबीर महाकुंभ जैसे कार्यक्रम करने का ऐलान किया। कबीर विचारधारा की जनसंख्या बहुल क्षेत्र में प्रतिवर्ष कबीर प्रकट उत्सव या कबीर महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। अब कबीर साहेब की जन्मस्थली की यात्रा भी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत करवाई जाएगी। आने वाले 4 साल में मध्य प्रदेश की धरती पर अनुसूचित जाति जनजाति सहित कोई गरीब बिना पक्के मकान का नहीं रहेगा। सबको पक्की छत मुहैया कराने का काम प्रदेश की सरकार करेगी। फिलहाल न्यूज आज में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।